आठ सूत्री मांगों को लेकर आज दिनांक 22/5/2020 को 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त देशव्यापी विरोध दिवस के आह्वान पर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक जनपद कमेटी आजमगढ़ द्वारा अपने कार्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग व धारा 144 का पालन करते हुए काली पट्टी बांधकर विरोध व्यक्त करते हुए मांग दिवस के रूप में मनाया। हाथों में मांगों से संबंधित तख्तियां लेकर विरोध व्यक्त किया। इसमें मुख्य रूप से राम अवध यादव, राम सहाय चौबे, शफीक अहमद, जितेंद्र हरि पांडे आदि लोग विरोध व्यक्त करते हुए आठ सूत्री श्रमिक समस्याओं के समाधान की मांग से संबंधित ज्ञापन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एवं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित द्वारा माननीय एडीएम प्रशासन आजमगढ़ महोदय को ज्ञापन सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवाल। हरि पांडे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदस्य और भारतीय सांस्कृतिक सहयोग। और क्या मामला है कि आज आप लोग जिला अधिकारी कार्यालय पर आए? आज 10 बड़ी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है, जिसमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, C2 एटक, ऐसे तमाम यूनियन के संगठनों ने और 10 ट्रेड यूनियन के संगठन आज संयुक्त रूप से पूरे भारतवर्ष में अपने हाथ में काली पट्टियां बांधकर दिन भर का उपवास, धरना और मजदूरों के समर्थन में अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश सरकार और दूसरी राज्य सरकारों द्वारा ये लेबर एक्ट को 3 साल के लिए रद्द किया गया है, उसकी वापसी हो, मजदूरों की सुरक्षित वापसी। मजदूर जिस तरह से रोड पर भटक रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं, महिलाओं के बच्चे रोड पर पैदा हो रहे हैं और बेतहाशा जिस तरह की बद इंतजामी है, यह बद इंतजामी मजदूरों के हित में दूर किया जाए, उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जाए और जब तक लॉकडाउन की स्थिति है, हर गरीब मजदूर परिवार को 7,500 रुपया, एक परिवार को, एक मजदूर को एक मुफ्त दिया जाए, हर किसान को 12,000 रुपये एक मुफ्त दिया जाए, ये सब मांगे हैं। और जो प्रमुख मांगे हैं उसमें रेल, बीमा, रोडवेज, बिजली, LIC, तमाम ऐसे जो सरकार के। आपने ज्ञापन दिया तो प्रशासन ने आपको क्या कहा? हाँ, जिलाधिकारी आजमगढ़ महोदय मौजूद नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति में हमने ADM प्रशासन श्री नरेंद्र सिंह साहब को मिलकर के ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नाम संबोधित 10 सूत्री ज्ञापन कि यह हमारी आज की जो मांग है, 10 सूत्री मांगों को आप सरकार तक पहुंचाने का और जिले की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए और ट्रेड यूनियन से जुड़े जो सवाल हैं, चाहे वो महंगाई भत्ता हो, चाहे पेंशन हो या चाहे रुकी हुई तनख्वाह हो, ऐसे सभी सवालों पर कहा गया कि सरकार जल्दी से जल्दी उचित कदम उठा करके मजदूरों के हित में, ट्रेड यूनियनों के कर्मचारियों के हित में उचित फैसला ले ताकि इनको राहत मिल सके। आप लोग